नशे की हालत में कोई भी व्यक्ति अपनी सूझबूझ खो बैठता है और कुछ भी कर गुजरता है। अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति नशा करता है वह दूसरों से ज्यादा कभी कभी खुद का नुकसान कर बैठता है। नशे की हालत में व्यक्ति पागलपन की हद तक चला जाता है और कभी कभी उसका पागलपन खौफनाक मंजर में तब्दील हो जाता है। ऐसा ही एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला इंदौर से सामने आया है, जहां एक शख्स ने नशे की हालत में ऐसा कुछ कर दिया जो बेहद डरावना है। खबर के मुताबिक नशे में पूरी तरह से धुत एक शख्स चिड़ियाघर के साथ शेरों के बाड़े में कूद गया। इसके बाद जो हुआ वो बेहद खतरनाक मंजर था। दरअसल ये घटना इंदौर के एक चिड़ियाघर की है, जहां आज करीब दोपहर करीब 1 बजे नशे में धुत एक युवक अचानक ही साथ शेरों के बाड़े में कूद गया। लेकिन नशे में होने के कारण शायद वे कुछ देर तक समझ नहीं सका कि वे मौत के मुंह में कूद पड़ा है। वह बाड़े में मौजूद एक मचान पर बैठा गया, फिर वहीं बैठकर कुछ खाया और एक पटाखा भी फोड़ा। इस पटाखे के फटने चिड़ियाघर के सारे जानवर घबरा गए और सभी की नजर अचानक शेरों के बाड़े में बैठे इस शख्स की ओर पड़ी। बाड़े में एक दो नहीं बल्कि 7 शेर मौजूद थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि किसी भी शेर ने इस शख्स पर हमला नहीं किया। दरअसल पटाखे की आवाज से शेर भी काफी डर गए थे और उन्होंने इस शख्स पर हमला नहीं किया। घटना की जानकारी मिलते ही चिड़ियाघर के कर्मचारी वहां पहुंच गए और सभी 7 शेरों को पिंजरे में बंद कर दिया, जिसके बाद इस शख्स को सही सलामत बाहर निकाला जा सका। ये घटना इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय चिड़ियाघर की है। ये बात ही सामने आई है कि बाड़े में कूदने से पहले इस शख्स ने शराब पी रखी थी। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। लोगों के मुताबिक ये युवक मानसिक रूप से बीमार है। इस घटना की पूरी तस्वीर जून के कैंटीन के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसका वीडियो कुछ ही देर में सामने आ गया। गौरतलब है कि कुछ साल पहले ही दिल्ली में ऐसा ही शख्स शेरों के बाड़े में कूद गया था, जिसे बचाया नहीं जा सका।